और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कुछ खास बड़ी खबरों से। वाम दलों के आह्वान पर महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ देशव्यापी अभियान समापन पर पिछले दिनों गोमिया प्रखंड के श्वांग वन बीमे बागपा गोमिया अंचल की ओर से एक जनसभा का आयोजन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता विनय सरकार ने की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए झारखंड राज्य सचिव मंडल के सदस्य रामचंद्र ठाकुर ने कहा, देश में लगातार महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है। केंद्र की मोदी सरकार जन विरोधी नीति और कारपोरेट परस्त नीतियों के कारण महंगाई और बेरोजगारी से लोग तबाह हो रहे हैं तथा आत्महत्या करने की विवश हो रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था बर्बादी के कगार पर पहुंच गई है। देश में बहुत लंबे समय से अर्थव्यवस्था को संभाल नहीं सके और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो सभी सरकार की मुट्ठी में चली जाएंगी, देश को तानाशाही की ओर बढ़ जाएगी। इसलिए इस देश को बचाना है तो लाल झंडा और वामपंथी ताकतों को मजबूत करना पड़ेगा। जन विरोधी सरकार की सांप्रदायिक तत्वों के खिलाफ लोगों को सड़क पर उतरना होगा। शवा को माकपा नेता श्याम सुंदर महतो, प्रदीप विश्व, राकेश कुमार, विनय महतो, लखन महतो, अजय महतो और भोला सरकार आदि नेताओं ने भी सभा को संबोधित किया। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर खबर की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें।